सबसे पहले तो जितने भी हमारे भोजपुरी दर्शक हैं सभी लोगों को यश कुमार का प्रणाम है। खेसारी भाई की आज फिल्म जिला चंपारण का ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है और जैसा कि आप लोग जिला चंपारण अपने आप में एक भारी भरकम सा टाइटल है, मेरी शुभकामनाएं हैं खेसारी भाई के साथ की फिल्म उनकी बड़ी हिट है। खेसारी भाई और हम हमेशा एक दोस्त की तरह रहे हैं, जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं मत से मिलते हैं, जब इंसान उनके लिए दिल से खुद ब खुद दुआ निकलती है कि उनको तरक्की मिले, उनको बहुत सारी कामयाबी मिले। आपने उनके साथ काम भी किया है, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह के कलाकार हैं वो? हाँ, मेरी एक फिल्म आ रही है अभी जुलाई में ही रिलीज़ हो रही है, कसम पैदा करने वाले की। कसम पैदा करने वाले की में मैंने खेसारी जी के साथ में पहली बार स्क्रीन शेयर किया। बेहद ही उम्दा अभिनेता हैं ये और एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान हैं। अभिनेता तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान होना ये बहुत ज़रूरी होता है और वो खेसारी भाई लोगों को यह है। आपका कौन सा प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के अलावा और जो प्रोजेक्ट करें उसके बारे में? अभी मेरी रिलीज़ हो रही है सबसे पहले कसम पैदा करने वाले की, जो जुलाई में ही रिलीज़ हो रही है। इसके बाद से मेरी फिल्म रिलीज़ होगी रुद्रा, जो अगस्त में है। अगस्त में ही मेरी फिल्म है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो रिलीज़ होगी। फिर मैं और पवन सिंह जी एक बार फिर से आ रहे हैं सफेरा, हम लोगों के साथ में फिल्म थी जो ब्लॉकबस्टर मूवी थी। उसके बाद लुटेरे आ रही है, मैं और पवन जी। फिर मेरी मोहब्बत जिंदाबाद है और इस साल मैं दो फिल्मों की शूटिंग करने जा रहा हूँ अगले महीने से। बहुत ही महत्वाकांक्षी मूवी है मेरे लिए। पिछले साल 2016 की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी इच्छाधारी, उसकी सिक्वल बन रही है नागराज के नाम से। तो नागराज फिल्म मैं कर रहा हूँ और उसकी शूटिंग बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। उसके अलावा एक फिल्म है मेरी दुपट्टा वाली आई लव यू, जो मंजुल ठाकुर के निर्देशन में मैं कर रहा हूँ। अभी हमारी एक फिल्म बिहार में बहुत अच्छी चल रही है, एक रजाई तीन लुगाई। अच्छा। एक रजाई तीन लुगाई की कामयाबी के बाद एक बार फिर से मैं मंजुल ठाकुर के साथ काम करने जा रहा हूँ। फिल्म का नाम है दुपट्टा वाली आई लव यू। थैंक यू।